नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम इसके वीकली चार्ट पे, यहाँ पे शेयर के वीकली चार्ट में यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पे जो इसका ट्रेंड है आपको यहाँ पे अप दिखेगा। अप होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा बुलिश कैंडल बना हुआ है, लेकिन ऊपर की ओर इसका वीक काफ़ी बड़ा है, यानी कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी कुछ इस तरह एक डोजी जैसी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई है, और वो भी एक सीमित दायरे में यहाँ पे ट्रेड की, यानी यहाँ पे आपको एक बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए देखेंगे। और जब भी बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो वहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से ये शेयर में गिरावट आ सकती है। तो इस समय हम वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ पर हमें कन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ से अपनी एक शॉर्ट की पोजिशन बना सकते हैं, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, या फिर आप अपना यहाँ से मुनाफा लेके निकल सकते हैं। अगर इस शेयर में आपकी होल्डिंग है तो अपना मुनाफा लेके निकले, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इसी शेयर को हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे भी यहाँ पे आपको सेम सिनारियो दिखेगा, किस तरह यहाँ पे भी एक बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर इस शेयर में आपकी काफ़ी देरों से इसमें होल्डिंग है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। तो दोस्तों, आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।